सुकरी त्राटक में अस ये जनाब जी फार्म सारा ये लगा हुआ बच्चे निके निके इतना लगन का खतरा उसके बाद जनाब लखाज आई आता बिजली आए को मैकमे को अस इसी चेंज कराने चाहे ये चेंज कोई नहीं करना ये पांच फुट सारा जनाब इतने देखो बेड़ा सारा बच्चे का कल को बच्चा अगर पुट गया कोई गलबात हो जाए कौन जवाबदार है इसे मेहरबानी करके जनाब इसी चेंज किया जाए इसकी पहले कुछ महकमे आप सनाया कि यह कहानी है इतना असने मकान नजदीक महकमे को लिखा गया लेगा बिजली वाले महकमे को इन्हें दे दी थी एप्लीकेशन दी है इन्हें जनाब नहीं चेंज किया ना कोई बदली किया देखो हमें तारा देखो थला पी तारा सारिया कोई बच्चा नाल आ जाए बारिश होनी हर गलबात होनी है कोई बच्चा नाल पौड़े जैसी है तो थोड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं तुम आयो इत असें तुम्हें बुलाया तो देखो जनाब क्या हाल है इतना वार्ड नंबर जी छे है या सत्त है उसके बाद दगरोट वाली छे इन्हें तीन वार्ड में पानी बिल्कुल नहीं है तो जी मोटर थले की चोरी हुई उसके बाद उसने ट्रांसफार्मर भी चोरी हुई है उसका कोई महकमे वाला इतना अज तक पहुँचा नहीं पूरा एक महीना हो गया पब्लिक बहुत तंग है पानी बगैर इस विच इतना कि पी एच वाले आवन अपना दोबारा मौका था कि इसी दोबारा कुछ ना कुछ उसने रिजल्ट कटन के पानी किस तरह दोबारा दिता जाए पब्लिक बहुत तंग है आपने किसी हाई अथॉरिटी को अप्रोच किया किसी ऑफिसर को बताया जेई सुपरवाइजर खुद यही आया था जेई को हमने खुद बताया था क्या बोला उन्होंने उन्होंने बोला जी अभी चोरी हुई हम क्या करेंगे अभी गवर्नमेंट को पैसा देगी तो हम लेंगे नहीं तो हम कहाँ से लेंगे जेई ये बात करता था जेई के साथ ही बात किया जेई मुड़ के चले गए बोलता हमने एप्लीकेशन लगाया थाने में वो पुलिस वाले आएंगे तो कोई भी नहीं रहा ना कोई देखा ना कोई गलत ना कोई सुनी सुनाई है महकमे वाला कोई नहीं आता अब आप क्या कहना चाहते हैं अभी हम चाहते हैं ये सर देखो अभी पानी का बहुत प्रॉब्लम है अभी दो महीना हो गया पानी नहीं है दुनिया सब पानी से परेशान है हर घर बात है कोई महकमे वाला इधर नहीं आता ना कोई पानी वाला ना जेई साहब आ रहे हैं ना कोई बंदा आ रहा है तो ना पानी का कनेक्शन है वो स्कूल में भी है पूरी मार्केट में भी है वो स्कूल में तो सबसे ज्यादा खाने पीने का पतराड़े पूरे में है सर पतराड़ा ये अपने वार्ड नंबर सात जो छह दुगरोट और पतराड़े देतड़े वाली है इसमें तो पाइपें भी नहीं है आपको एक दिन मैं लेके चलूँगा अपनी वार्ड में वहाँ देखोगे पानी वो टैंक बना हुआ उसको हो गया 20 साल पाइप तो एक भी नहीं लगी अगर जो थोड़ी लगी हैं जो दो तीन घर पानी रह रहे वो नाले का पानी उन्होंने लगाया हुआ है बाकी पाइप पूरी 200 घर हैं 200 घरों में पानी का नाम भी नहीं है ना कोई पाइप है ना वहाँ कोई पानी का इंतजाम है मोदी साहब तो कहते हैं कि हम घर घर पानी पहुँचाएँगे घर घर पानी क्या पहुँचाएँगे लेकिन पाइप ही नहीं लगी है तो पानी कहाँ से आएगा तो हमारी तो फिर ये टैंक किस लिए बनाया गया टैंक तब उन्होंने अपना पैसा खाने के लिए बना दिया पैसा हजम हो गया अभी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पे सर ये साल में 6 महीने पानी नहीं आता कभी कभी अभी तो चलो मोटर चोरी हो गया कभी ऐसे कभी मोटर जल गया फिर 2-3 महीने नहीं आता ऐसे करते करते अभी किराया जब आएगा तो किराया आने के लिए आ जाते हैं ये सब आदमी कटाया हुआ है तो इधर आते नहीं पानी वाले 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद 1 दिन पानी देते हैं वो आर्मी के कैंप में जाता है सब पूरे पतराड़े में जाता है पानी का सब इलाके में लेकिन कोई भी नहीं आता अभी अभी साल में थोड़ा पानी आता है 2-3 महीने में क्या फायदा है अभी आएगा जनाब 1 घंटा पानी आधा घंटा छोड़ेगा 10 मिनट छोड़ेगा बस बिजली लाइट चले गया तो खुद चले गया बस इन्हें लाया ऐसा जनाब थोड़ी मेहरबानी शुक्रगुजार था तुम्हारे बनाया सर सही मसला यह जी ऐसा जनाब लोकेशन दी हर चीज़ की जनाब तो यह इन्हें चेंज नहीं किया मुड़ गया देखो 5 फुट सारा है तू कारण नाल अरे कोई बच्चा ना लग गया कोई जवाबदार क्यों है जवाबदार कोई सुनी सुनाई कोई तो है नहीं है तो बड़ा मुश्किल है तो कोई बच्चा निकल पैर फिसल गया कोई गलबात होगी तभी यह बच्चा पौड़े जा सी है तो कोई गवर्नमेंट सुननी नहीं है किसी किसी को गलबात है बंदे भी महकमे वाले भी सुनने कोई भी दूसरा सारे पानी नहीं ना मोटर तो चोरी होगी 2 महीने होने लगे ना कोई पानी ना कोई इतना बन रहा ना कोई गलबात है ना कोई महकमे वाला आ रहा ना कोई थक रहा ना कोई गलबात है तो बाकी ये सबसे बड़ा मुश्किल है सारे मजी तक की हालत है दरवाजे ने बिछाए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसी बहुत बड़ी